हेलो गाइस, हम आ चुके हैं हमारे एक और न्यू वीडियो में। और आज की वीडियो में हम देखने वाले ज्योग्राफी का फोर्थ लेसन एंजियोजेनेटिक मोमेंट पार्ट टू स्टैंडर्ड नाइन्थ महाराष्ट्र बोर्ड के टेक्स्ट बुक के सभी क्वेश्चन आंसर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं गाइस, हम लोग क्वेश्चन नंबर वन की ओर हैं अभी और फर्स्ट क्वेश्चन आके जा चुका है। और ये क्वेश्चन है रिवर्ट द करेक्ट सेंटेंस, और जो भी इनकरेक्ट सेंटेंस है उसको करेक्ट में लिखा है यहाँ पे, देखिए। तो ये वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा गाइस, और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये देखिए थर्ड क्वेश्चन आ चुका है, वो भी इनकरेक्ट, और उसका आंसर लिखा है बिकॉज के आगे कि उसका करेक्ट आंसर क्या है। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, और जो भी वीडियो नेक्स्ट टॉपिक पे चाहिए या फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट पे चाहिए वो कमेंट जरूर कीजिएगा। आप लोग कमेंट करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि आपको कौन से लेसन पे या फिर कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो मैं बनाऊंगा जल्द से जल्द। ये देखिए क्वेश्चन नंबर टू, करेक्ट एंड रिवर्ट द इनकरेक्ट सेंटेंस। तो ये देखिए इनकरेक्ट है और उसको करेक्ट सेंटेंस लिखा गया है। और ये देखिए सेकंड क्वेश्चन आ गया है और वो भी इनकरेक्ट था, तो उसका भी वहाँ पे बाजू में डॉट के आगे करेक्ट सेंटेंस लिख दिया गया गाइस। तो और ये आंसर सब राइट आंसर है और इसमें रॉन्ग आंसर नहीं मिलेंगे आपको। ये देखिए थर्ड क्वेश्चन आ गया और वो करेक्ट ही था, तो उसमें इनकरेक्ट और करेक्ट करने की ज़रूरत नहीं थी, उस सीधा आप लिख सकते हैं, सिर्फ मैंने रीज़न दे दिया वो करेक्ट ही होता। और ये देखिए फोर्थ वाला इनकरेक्ट है और उसका करेक्ट करके यहाँ पे दे दिया है। तो मुझे यकीन है आपको समझ क्या होगा ये आंसर्स गाइस। और ये देखिए अभी हम क्वेश्चन नंबर टू के हटते हुए क्वेश्चन नंबर थ्री की ओर आएंगे, और आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर यहाँ पे ढूंढना है। तो ए वाला है जो रॉन्ग पेयर है और उसका राइट आंसर भी दे दिया है, रॉन्ग पेयर क्यू है और उसका राइट आंसर भी दे दिया है वहाँ पे। और हम आगे बढ़ रहे क्वेश्चन नंबर थ्री के बाद हम आएंगे क्वेश्चन नंबर फोर पे। और इधर तीन तीन डायग्राम थे तो सबको मैंने अलग अलग लिख दिया है डायग्राम और उसके इन्फॉर्मेशन मतलब डेफिनेशन। और एकदम इजी सी डेफिनेशन है, एक बयान डेफिनेशन बड़े बड़े नहीं है, देखिए सब छोटे छोटे डेफिनेशन है और छोटे छोटे आंसर से और एकदम करेक्ट आंसर से। ये देखिए थर्ड डायग्राम, उसका भी इतना छोटा सा आंसर है। तो इसी के साथ हम अभी क्वेश्चन नंबर फोर से हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर फाइव पे। और वो था टेबल भरने का था, उधर जो दिए ऑप्शंस में उसके मुताबिक टेबल भर दिया गया यहाँ पे गाइस। तो आगे बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर सिक्स की ओर। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफ का फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, उसका आंसर दिया है, आधा आधा करके दिया है यहाँ पे आंसर अलग अलग, क्योंकि इसमें छः पॉइंट थे और छः के छः छः नहीं है गाइस, आठ पॉइंट थे। देखिए आठ पॉइंट आ गए यहाँ पे और सब लैंडफॉर्म के नाम है तो इसीलिए आठ पॉइंट देना पड़ा यहाँ पे। ईजी है, इतना बड़ा हार्ड नहीं है। ये देखिए सेकेंड क्वेश्चन आ गया है और उसका आंसर छोटा सा एकदम ईजी सा आंसर है गाइस, इजी टू लर्न है, इजी टू राइट है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर लिखिए या फिर कुछ भी करिए, लेकिन अच्छा है, एग्ज़ाम में भी आप यूज़ कर सकते हैं आंसर्स को। ये देखिए थर्ड क्वेश्चन आ चुका है और इसी के साथ हम आगे बढ़े फोर्थ क्वेश्चन की ओर। और नेम द टाइप ऑफ मोरेन्स था, तो इसमें भी छः मोरेन्स के नाम दिए मैंने यहाँ पे, ये देखिए दो बार मैं करके दिया है और मुझे यकीन आपको समझ जाएगा ये यहाँ पे गाइस। और गाइस एक बात था यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर सेवन जो है वो स्टूडेंट को खुद से करना है, तो मैंने वो आंसर नहीं दिया, आप खुद से कर लीजिएगा उसको। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो जो भी टॉपिक पे चेक कमेंट जरूर कीजिएगा गाइस। तो चलिए गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।